आपकी गृहस्थ जीवन की बेहतरीन निशान है। जैसे श्री रामचंद्र जी को या सीता जी को सिर्फ हिंदुओं का धरोहर नहीं समझते, इस देश के हर वासी का हर आदमी जो इस धरती पर पैदा हुआ है वो अपना हिन्दुस्तानी रामायण उसका संस्कृत धरोहर है। वो चीज है जिससे हम जितना भी गर्व करें कम है। तो आज आप मेरे साथ तीन बार नारा लगाएंगे, जय सिया बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं श्री रामचंद्र जी को या सीता जी को सिर्फ हिंदुओं का धरोहर नहीं समझता, इस देश के हर वासी का हर आदमी जो इस धरती पर पैदा हुआ है वो अपना हिन्दुस्तानी रामायण उसका संस्कृत धरोहर है। वो हिन्दुस्तानी कैसा होगा जो नहीं जानता है रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में? ये तो हमारा इतिहास है, ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। वो चीज है जिससे हम जितना भी गर्व करें कम है। इसका कुछ लोगों का धार्मिक आस्था है, उससे बहुत लोगों की है, लेकिन मेरे जैसे जो नास्तिक है उनके लिए भी एक गर्व का सामान है कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जो रामचंद्र का नतीजा का देश है। हमारी संस्कृति में और भी डेटीज हैं, कृष्ण जी की बड़ी महिमा है, लेकिन जब हम आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम आइडियल वाइफ की बात करते हैं, पत्नी की, तो फिर राम और सीता ही ध्यान में आती। ये तो मोहब्बत की एकता की गृहस्थ जीवन की बेहतरीन निशान है। जय सिया और राम को अलग से भेद नहीं किया, उसका नाम था रावण। जो अलग करे वो रावण। तो आज आप मेरे साथ तीन बार नारा लगाएंगे, जय सिया बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज से जय सिया राम ही कहिए।